पास आचार्य अष्टोत्तर स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडाचार्य ब्यूटी फाउंडाचार्य सेवर द होल वर्ल्ड जगत श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज की जय। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सचिदान भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। गौर तथा भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव भवन की जय। सर्व शालिग्राम पिता की जय। गौर श्री प्रभुपाद की जय। और वरिष्ठ समर्पित हरे कृष्ण। और वरिष्ठ समर्पित हरे कृष्ण। और वरिष्ठ गुरु अनुराग जगत श्री प्रभुपाद की जय। चर्चा करेंगे भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय के और 17 नंबर श्लोक पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब साथ में प्रार्थना करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य वन्दनं चैव नरोत्तमं देवीं ततो जयं पतिरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नश्चिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पर 2 मिनट हम चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर आज के श्लोक पे आएंगे। तो ध्रुव महाराज के जो छोटे भाई थे उत्तम, उनकी मृत्यु जब हो गई थी, उसकी मृत्यु की जब खबर सुने तो ध्रुव महाराज निकल गए यक्षों का वध करने के लिए। जब उनको पता चला कि जो यक्षगण हैं, जो कुबेर के अनुचर हैं, उन्होंने मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी, अकारण ही हत्या कर दी, मतलब वाद विवाद हो गया था उसी में अकारण ही हत्या कर दी है, तो प्रतिशोध की ज्वाला से बिल्कुल उद्विग्न हो उठे और गए वहाँ पर कि जा करके अभी बदला लूँगा, अभी बताता हूँ उनको, मारपीट किया हूँगा। तो वहाँ पे गए और हिमालय की तराइयों में, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी दिशा में, वहीं पर अलकापुरी है तो वहाँ पर रहते होंगे। तो गए जा करके शंखनाद अपना किए। तो उनके जो एक दिन जीता मित्र प्रभु बता रहे थे इसी कॉन्टेस्ट में कि वो जा करके बातचीत करना चाह रहे थे, एक्चुअली जा करके अपना संघनाद किए कि ठीक है मैं आया हूँ और आप लोग अकारण ही मेरे भाई को मारे हो, तो आकर कुछ शांति वार्ता करो, मतलब कि किसने मारा, क्यों मारा भाई, क्या हुआ, उसकी क्या गलती थी, क्या गलती नहीं की थी, इसके बाद फिर मैं उस पर एक्शन लूँगा। और उस समय जो ध्रुव महाराज थे पूरी पृथ्वी के राजा थे, सब तो द्वीप के राजा थे, तो बातचीत क्या कारण है, क्यों आपने मार दिया। तो बट उधर से अब इन्होंने सोचा कि युद्ध करने के लिए आए और सारे अस्त्र शस्त्र ले करके बिल्कुल रस पर सुशोभित होकर के आए और तुरंत युद्ध करने लगे। तो इन्होंने भी युद्ध चालू कर दिया बिल्कुल, और युद्ध में बिल्कुल मार धार अच्छे तरीके से होने लगे, काट काट करके बिल्कुल गिराने लगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कई जगह पर ऐसा प्रसंग देखा गया है जब उसी कार्यकलाप को भक्त या भगवान कर रहे होंगे तो सुखदेव गोस्वामी उसको बहुत अप्रिसिएट करते हैं, और उसी कार्यकलाप को अगर कोई और कोई अभक्त या कोई और कर रहा हो तो उसको वो हीन भावना से, मतलब उसको नीचे तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि इसी प्रसंग में उन पे आता है, देखिए उनके पिताजी कि जैसे बोल रहे हैं ये क्या माया मृग, उनको शब्द का उच्चारण किया उनके लिए कि माया के लिए मृग थे, मतलब स्त्री के हाथ के, मतलब वो थे कि अपने उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट थे कि कुछ भी उनको नहीं बोल पाए। या फिर 10वें स्कंद में देखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के गए होते हैं इंद्र के, और वहाँ पर उनके पारिजात नंदन कानन से पारिजात उखाड़ करके ला रहे हैं, और जो इंद्र हैं इसको बहिष्कार कर रहे हैं कि भाई हमारे वन का है, हमारे स्वर्ग का ये पेड़ पौधा है, आप क्यों ले जा रहे हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी उनको इंद्र को फटकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि तो वो स्त्रैण था, वो अपने स्त्रियों के चक्कर में पड़ा हुआ था, वो मतलब उन भगवान को मना करता, लेकिन कर कौन रहे, भगवान कर रहे हैं। वैसे ही इस प्रसंग में देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज बिल्कुल
हिंसा कर रहे हैं, मार रहे, काट रहे हैं, लेकिन क्या कर, युद्ध भी ऐसी सुशोभित हो रही थी जब यक्षों के हाथ कट के, पैर कट के, गला कट के, धड़ अलग हो करके, वक्षस्थल कट करके गिर रहे थे, तो युद्ध भूमि मानो सुशोभित हो रही हो, ऐसे वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का कार्यकलाप है ये, विशेष रूप से जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, नाहो नामी द्वेषोऽस्तु न प्रिय, बट मतलब मैं समूहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ, चाहे कोई असुर हो, राक्षस हो, देवता हो, सबके लिए मैं समान हूँ। लेकिन फिर बाद में कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं विशेष प्रिय हूँ और वही मुझे विशेष प्रिय है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भागवत में कई जगह पर ये प्रसंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं और लाखों लाखों यक्षों को उन्होंने मार गिराया है वहाँ पर। तो मनु महाराज जब उनके दादाजी उत्तानपाद के पिताजी जब देखे कि अकारण ही जो हमारा वंशज है ध्रुव वो हिंसा कर रहा है, तो उनको बताने के लिए, समझाने के लिए आ गए कि भाई क्यों कर रहे हो ये, नॉर्मली तुम्हारा आचरण ऐसा है कि उच्च लेवल के जो भक्त हैं, जो टॉप लेवल के भक्त हैं, उसमें तुम्हारा नाम आता है, उसमें तुम्हारा, जैसे हमारे समाज में होता है ना कि कोई लड़का मतलब मोहल्ले में अगर अच्छा प्लेसमेंट लग गया हो, उससे सीखो, देखो उसका कितना अच्छा प्लेसमेंट लगा है, उस कितना हाई क्लास के कॉलेज में पढ़ा है, कि एग्जाम्पल दिया करते हैं। वैसे ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम्पल दिया जाता है कि ध्रुव से भक्ति सीखो, मतलब बड़े बड़े लोग ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो बताओ, आज तक हमारे कुल में कोई हिंसा इतना किया है ऐसे कारण ही तुम मार रहे हो। तो अब ये चीज़ बताए, पहले इमोशनल लेवल पर उनको समझाए कि भाई क्यों ऐसे युद्ध में लड़े हुए हो और हमारे कुल का ये कार्य नहीं है, हम लोग तो आर्य हैं, बड़े कुल के हैं, और नॉर्मली तुम्हें धीर होना चाहिए, क्षमा कर दो, क्षमा गुण होता है। इसके बाद फिर इन श्लोकों पर आ रहे हैं, फिलोसफिकली उनको बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरी कॉज, कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है। जो तुम्हारा भाई मारा गया, ये भगवान की, जैसे भगवान कह रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत, कि जो भी होता है भगवान के उसे होता है, तो भगवान के मर्जी से तुम्हारा भाई मारा गया और सारे कारणों, ये कारण जो भी घटित तो हो रहा है, कौन है, भगवान है। अल्टीमेट उनको फिलोसफी दे करके मना करना चाह रहे हैं कि हे पुत्र तुम ये युद्ध बंद कर दो, युद्ध मत करो, ठीक है। तो इस संदर्भ में आज का ये कॉन्टेक्स्ट है, आज का उसमें है कि फिलोसफिकली बताना चाह रहे हैं कि सारे कारण के कारण कौन है, भगवान है। तो तुम ये मत सोचो कि इन यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है और तुम इनको मार रहे हो, तुम अपने को कारण मत लो, भगवान कारण है, इसलिए युद्ध करने का कोई कारण नहीं है, तो बेटा युद्ध बंद कर दो, ये समझाना चाह रहे हैं। आज का हम श्लोक लेंगे और श्लोक पे फिर हम चर्चा करेंगे। आप लोग पीछे मेरे बोलिएगा, निमित्त मात्रम तत्र आसेत, निमित्त मात्रम तत्र आसेत, निर्गुणः पुरुषार्थसभा, व्यक्त अव्यक्त इदं विश्वम्, यत्र भ्रमति लोहवत्, यत्र भ्रमति लोहवत्, निमित्र मात्रं तत्रासे, निमित्र मात्रं तत्रासे, निर्गुण पुरुषारिसभा, व्यक्तं व्यक्तं अवत्यं इदं विश्वम्, यत्र भ्रमति लोहवत्, निवृत्त मात्रं तत्र आसे, निवृत्त मात्रं तत्र आसे, निर्गुणः पुरुषारिसभा, व्यक्त अव्यक्त इदं विश्वम्, यत्र भ्रमति लोहवत्। निमित्र मात्रं तत्र आसीत्, निर्गुण पुरुषर्षभा, निमित्र मात्रं तत्र आसीत्, निर्गुण पुरुषर्षभा, यत्र भ्रमति लोहवत्।
निर्गुण पुरुषार्य सभा व्यक्तमिदं विश्वम् यत्र भ्रमति लोहवत् निमित्रमात्रं तत्र आसीत् निर्गुण पुरुषार्यसभा व्यक्तमिदं विश्वम् यत्र भ्रमति लोहवत् निमित्रमात्रं तत्र आसीत् निर्गुण पुरुष लोहवत् माताजी निमित्रमात्रं तत्र आसीत् निर्गुण पुरुषार्यसभा व्यक्तमिदं विश्वम् यत्र भ्रमति लोहवत् निमित्रमात्रं तत्र आसीत् निर्गुण पुरुषार्यसभा व्यक्तमिदं विश्वम् यत्र भ्रमति लोहवत्। धन्यवाद। इसका बाद तथा तात्पर्य पढ़ेंगे। ऐसी भक्ति का स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए जगत गुरु श्री प्रभुपाद के अनुवाद। हेतु भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते, वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक से संचित शक्ति से घूमता है। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस जगत के भीतर भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। ये मेन लाइन है, पूरा परपट प्रभुपाद इसी के अंतर्गत बोल रहे हैं। मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस जगत के भीतर भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है। नास्तिकवादी विचारक जो भगवान की सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, भगवान को सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, सोचते हैं कि यह जगत विभिन्न भौतिक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया चालित होता है। तत्वों की अन्योन्य क्रिया की सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब हम सोडा तथा अम्ल को मिलाते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, किंतु इस प्रकार रसायनों की प्रतिक्रिया से जीवन को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवन की 84 लाख योनियां हैं जिनकी इच्छाएं तथा कार्य भिन्न भिन्न हैं। केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यशील भौतिक शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में कुमार तथा उसके चाक का उदाहरण उपयुक्त होगा। जब चाक घूमता है तो अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। इस पात्र के अनेक कारण हो सकते हैं किंतु मूल कारण तो कुम्हार है, तो चक जो चक को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता से आती है। भगवद गीता में इसी प्रकार की व्याख्या की गई है। समस्त कार्य तथा कारण के पीछे भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण का कथन है कि उनके शक्ति पर ही सब कुछ आश्रित है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं हैं। मिट्टी का पात्र भौतिक शक्ति के किन्हीं कार्य कारण की अवस्था के अंतर्गत बनता है, किंतु कुम्हार तो पात्र में नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक उत्पत्ति भगवान द्वारा की जाती है किंतु वे सर्वथा पृथक रहते हैं। जैसा कि वेदों का कथन है, उन्होंने मात्र उसके ऊपर नजर डाली और द्रव्य का विक्षोभ तुरंत चालू हो गया। भगवद गीता में यह कहा गया है कि भगवान भौतिक शक्ति को अपने अंश जीवों से स्पृष्ट कर देते हैं जिससे विभिन्न रूपों तथा विभिन्न कार्यों का सूत्रपात होता है। जीव आत्मा की विभिन्न इच्छाएं तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं। डार्विन के सिद्धांत में जीव आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, अतः उसके विकास की व्याख्या अधूरी है। तीनों गुणों के कार्य कारण
के फलस्वरूप विश्व में अनेक घटनाएं घटती हैं, किंतु उसका आदि कारण सृष्टा तो भगवान श्री कृष्ण ही है, जिन्हें यहाँ पर निमित्त मात्रम अथवा दूरस्थ कहा गया है। वे अपनी शक्ति को चक्र को मात्र धक्का देते हैं। मायावादी चिंतकों के अनुसार परम ब्रह्म ने अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर रखा है, किंतु तथ्य यह नहीं है। वे भौतिक गुणों के कारण कार्य से सदा परे रहते हैं, यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं। अतः ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि कारण सर्व कारण कारणम। वैसे तो अनेक कार्य कारण हैं, किंतु आदि कारण तो कृष्ण ही है। कितना अच्छा पर्पट है, कितनी बार कृष्ण शब्द का उच्चारण प्रभुपाद ने किया है इसमें। ठीक है, हम गुरु परंपरा से प्रार्थना करेंगे कृष्णाचार्य से, भगवान से, फिर इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजननाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखामिताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखम करोति वाचालं पाङ्गुलभयेत् गृहं यत्कृपा तपं श्रीगुरुं दीनधारिणं। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद्भागवतम कक्षा में, और विशेष रूप से जो भी वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे मैं आशीर्वाद की याचना करूँगा कि आशीर्वाद दे तथा कि इन जो गुह्य प्रसंग है जो मनु महाराज आज के इस प्रसंग में बता रहे हैं इस पर कुछ हम चर्चा करने का प्रयास कर सकें, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी से भी मैं आशीर्वाद की याचना करूँगा, क्योंकि प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, और इसमें भी निर्विशेष और शून्यवाद का खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इस तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से खंडन कर रहे हैं। एकमात्र कोई भी मतलब नॉर्मली जो कि आध्यात्मिक आचार्यगण होते हैं या आध्यात्मिक परंपरा के जो वैष्णवगण या अवैष्णव जो भी वैसे व्यक्ति मान लीजिए गुरु वर्ग, ये नॉर्मली साइंटिफिक थ्योरी पर कभी खंडन नहीं करते हैं, साइंस से ऐसा कभी पंगा नहीं लेते हैं नॉर्मली। आप कोई भी देखिए, आप इससे पहले वैष्णवाचार्य को देखिए और भी कई संप्रदाय के कई वैष्णवाचार्य हैं धार्मिक सिद्धांतों पर बोलते हैं बट साइंटिफिक थ्योरीज को कभी खंडन नहीं करते हैं, उससे पंगा नहीं लेते हैं, उसका काट नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी, आप लोग नॉर्मली हम लोग तात्पर्य सुनते हैं ये पढ़ रहे हैं या प्रभुपाद के कितने लेक्चर हैं कि पूरी साइंटिफिक थ्योरी के अगेंस्ट खड़ा होते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज को साइंस के और साइंटिस्ट के खिलाफ अपने प्रवचन में प्रभुपाद जी बिल्कुल निर्भीक होकर के बोला करते थे। शास्त्रों के में क्या बताऊंगा उसको साबित करते थे और साइंस के खिलाफ भी बोला करते थे। तो इस श्लोक में कई चीजों का खंडन किया गया, और कोई भी जैसे कि हम दो मिनट चर्चा करेंगे कि श्लोक श्रीमद् भागवतम का पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ने का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जैसे कोई भी श्लोक देखिए, भागवतम जो है अमल पुराण है,
कोई भी इसमें मल कलमस नहीं है, है कि नहीं? तो कोई कलमस नहीं है, कोई मल नहीं, और शुद्ध भक्ति को इसमें व्याख्या किया गया है। और इसकी व्याख्या करके जो श्री व्यासदेव थे उनके चित्त को शांति प्राप्त हुई। हम लोग सुने हैं कि सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी श्री व्यासदेव का चित्त अशांत था, क्यों? उसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड इसका वर्णन किया गया था। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम की रचना की शुद्ध रूप से भगवान और भक्त की महिमा को स्थापित करती है, ये अमल पुराण है, पुराण अमलम। तो इस पुराण में, इस ग्रंथ में कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है कि बस ऐसे यूं ही बोल दिया गया, एम ही बोल दिया गया, तुक्का से बोल दिया गया, नहीं। प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है इस श्रीमद् भागवतम का। तो श्लोक को कैसे पढ़ना चाहिए कि जैसे कोई भी श्लोक है, जैसे आज का ये श्लोक है, निमित्र मात्रम तत्र आसीत निर्गुण पुरुष ऋषभ व्यक्तम अव्यक्तम इदम विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। कि श्लोक को जब कोई भी पढ़ते तो पहले पहला प्रश्न आना चाहिए कि कौन किससे बोल रहा है। जब हम अच्छे तरीके से श्लोक को समझ जाते हैं तो तात्पर्य वगैरह समझना बहुत आसान होता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। सबसे पहला चीज जो मन में आना चाहिए कि कौन किससे बोल रहा है। तो जैसे इस श्लोक को देखें तो कौन किससे बोल रहा है? मनु महाराज बोल रहे हैं ध्रुव महाराज से। इसके बाद फिर जो दूसरा प्रश्न आना चाहिए कि ठीक है, ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कोई भी श्लोक, एबीसीडी, चाहे गीता का है, भागवत का श्लोक उठाइए, तो दूसरा प्रश्न आना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं ये? यस, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि युद्ध कर रहे थे और मतलब अकारण ही लाखों लाखों यक्षों का वध कर रहे थे, हिंसा हो रही थी, जो कि हिंसा मतलब पतन का कारण है। तो उस उनके पतन को रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? उनको समझाने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए। तीसरा प्रश्न आना चाहिए मन में कि क्या बोल रहे हैं, मतलब इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है, फिर एक एक वर्ड को समझना चाहिए हमें कि निमित्र मात्रम तत्र आसीत, जो कि जो हर चीज का जो निमित्र मात्र था, जो कारण, हर चीज का जो कारण होता है, तत्र आसीत, आसीत मतलब ये पास्ट टेंस में, ये ऋट लकार में हो गया कि मतलब पास्ट टेंस में, कि उसमें उपस्थित है, जो सारे कारणों के कारण थे उपस्थित था। ये यहाँ पर भगवान की को बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं। जब एक एक वर्ड का हम व्याख्या करके समझने का ये तभी तो प्रभुपाद जी ने एक एक शब्दों का वो दिया, व्याख्या दिया, उसका अनुवाद दिया। अगर इसकी कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कई लोग पढ़ते हैं श्लोक, पढ़ते हैं अर्थ और फिर आगे निकल जाते हैं, अगर जरूरत नहीं होती तो क्यों प्रभुपाद इतना मेहनत करके देते हैं, कि नहीं? रात रात भर जा करके प्रभुपाद अनुवाद देते थे, एक एक शब्द का दे रहे हैं, सब कुछ का बहुत बहुत ज़्यादा। अगर एक एक शब्दों को हम समझते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या बोला जा रहा है श्लोक में, क्या बोला जा रहा है। निमित्र मात्र तथा इसके बाद निर्गुण पुरुष ऋषभ, वो निर्गुण है और पुरुषों में ऋषभ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष है। तो इसमें बताने का ये प्रयास किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं व्यक्तम अव्यक्तम इदम विश्वम, कि इस विश्व में जो भी व्यक्त, व्यक्त मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, या अव्यक्तम जो हो चुका है यह आने वाले समय में होगा, अव्यक्तम इस जगत में व्यक्तम और अव्यक्तम इदम विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। ये कैसे है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कोणार्क मंदिर उड़ीसा का था, उसमें नीचे चुंबक वगैरह लगे हुए थे, बहुत भारी चुंबक लगाया गया था, एक राजा ने उसका निर्माण किया था। बाद में अभी नॉर्मली पढ़ते हैं कि मुगलों ने करा, ये मतलब बाद में ये थ्योरी में हिस्ट्री हमारी बनाई गई। और उसके ऊपर भगवान विष्णु के शिला थे और वो हवा में थे, ऊपर नीचे से कहीं से भी उनका टच नहीं था उस विग्रह का, और वो हवा में विग्रह थे। बाद में नॉर्मली अभी दूसरे वहाँ पर सूर्य नारायण, जो सूर्य लोक में जो नारायण के विग्रह होते हैं, जो सूर्य देवता के विष्णुमान के जो आराध्य देव हैं नारायण, उनका वो विग्रह था। एक्चुअली सूर्य मंदिर नॉर्मली कहते हैं, लेकिन सूर्य मंदिर नहीं था, जो सूर्य देवता के जो आराध्य विग्रह थे नारायण, उनका मंदिर था। और वो कहीं से टच नहीं था, ऊपर भी हवा में, नीचे भी हवा में, एक चुंबक की बहुत मतलब एक शक्ति से
वो था, वो हवा में था नॉर्मली। अभी चुंबक को हटा दिया गया वहाँ से, जब ये अंग्रेजों के शासन में अभी 150-200 साल पहले हटाया गया। इतना हैवी चुंबक था वो, इतना वो था पावरफुल था कि जो भी तटीय प्रदेश से वो जाती थी नाव वगैरह जाती थी स्टीमर, उसको अपनी तरफ खींच करके उसकी गति रोक दिया करता था वो चुंबक। तो वहाँ पर वही बता रहे हैं कि जैसे लोहा, जैसे एक लोहा होता है वो चुंबक की शक्ति से एक जगह टिका रहता है। जैसे हम लोग देखें कि एक चुंबक को दूसरे चुंबक से नीचे अगर ऊपर कर देते हैं तो हवा में तैरता है कि नहीं, वैसे ही भगवान की शक्ति से सब कुछ ये कार्य कर रहा है। लेकिन नॉर्मली नीचे का चुंबक दिख नहीं रहा है कि उसके शक्ति से वो बिगड़ लटका हुआ है, वैसे ही भगवान की शक्ति हर जगह है, भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है और भगवान दिख नहीं रहे। तो भगवान की सत्ता को इस श्लोक में अवस्थित करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं, ये बोला जा रहा है। और चौथा, इसका क्या इफेक्ट हुआ हम पर, क्या इफेक्ट है उसको, जिससे बोला जा रहा है उस पर क्या इफेक्ट हुआ, ये प्रश्न आना चाहिए। कोई भी श्लोक आप उठाइए भागवतम का, गीता का, तो इस अगर इस नज़र से अगर हम पढ़ेंगे, इस नज़रिया से अगर हम पढ़ेंगे ना, तो श्लोक आसानी से समझ में आता है। प्लस जो भी पीछे का पढ़े रहेंगे, कई बार होता है कि हम पढ़ जाते हैं और पता नहीं चलता क्या पढ़ गए, याद ही नहीं रहता है। बट अगर इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो पूरा याद रहता है कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, और इसका जैसे प्रैक्टिकल भी एग्जांपल हमें दिखता रहता है उस श्लोक के माध्यम से। तो चौथा होता है कि क्या इसका इफेक्ट होगा हुआ, तो क्या इफेक्ट हुआ, ध्रुव महाराज को समझ में आ गया कि ठीक है, जब सारे कारणों के कारण क्या है, भगवान है, कृष्ण है, तो मतलब उनके मर्जी से मेरे भाई का वध हुआ, तो मैं क्यों अपने को कर्ता समझ करके मैं इनको मार रहा हूं, और युद्ध उन्होंने बंद कर दिया। और इसका नॉर्मली अगर अपने जीवन में भी देखें तो इसका इस श्लोक का क्या हमारे उसमें व्यवहारिक जीवन में हो सकता है कि ठीक है, जो भी घटित हो रहा है भगवान के कारण, भगवान की इच्छा से घटित हो रहा है, तो हम अपने को कर्ता नहीं माने और भगवान की जैसे जो भी हो रहा है हमारे जीवन में उसको ये सोच करके स्वीकार करें कि ठीक है, ये कृष्ण के विल से, कृष्ण के इच्छा अनुसार हो रहा है। जैसे कि हम प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे, तो जब अंग्रेजी गवर्नमेंट, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने हो रहा था, तो उस समय जो भी भारत के खाद्यान्न वगैरह थे सबको ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था सस्ते भाव पर खरीद करके और उसको समुद्र में डुबा दिया था। समुद्र में इसलिए डुबा दिया गया था उन अनाज को, गेहूं को, चावल को, धान को, और ये जो मटर वगैरह होते हैं, जो दाल वगैरह होती है, इनको डुबा दिया गया था खरीद करके सस्ते रेट पर। क्यों खरीद करके डुबा दिया गया था, क्योंकि नॉर्मली लोगों को अकाल पड़ जाएगा, इससे अकाल पड़ जाएगा तो लोग सेना में भर्ती होने को तैयार होंगे, जिससे हमारी सेना बढ़ेगी, जिससे हम विश्व युद्ध कर पाएंगे। ये इंग्लैंड का वो था उस समय। तो नॉर्मली मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि लीलामृत में लिखा हुआ, उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भारत की जनता थी उस समय क्या सोच रही थी कि भगवान की कृपा से, चलो भगवान ही इसके कारण है और भगवान का कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा होगा जिसके चलते हमें भूखमरी का वो करना पड़ रहा है। फिर भी जो ये इतना अच्छा हमारे भारत की संस्कृति थी कि उस समय ये सोच करके लोग आपस में लड़ने नहीं लगे कि नहीं मैं इसका छीन करके खा जाऊँ, इसको मैं लूट लूँ, इसको मैं वो कर दूँ, नहीं, सब लोग ये सोच करके कि ठीक है भगवान की इच्छा से मेरे को भोजन आज का नहीं मिला। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी उच्च संस्कृति थी। तो इस श्लोक को इस प्रकार हम अपने जीवन में आज हो सकते हैं प्रैक्टिकली आजमा सकते हैं कि भगवान के कारण ठीक है ये जो भी घटित हो रहा है भगवान की इच्छा से घटित हो रहा है, तो ये सोच करके स्वीकार करो कि जो भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और कृष्ण तो कौन है, हमारे परम हितैषी हैं, और कोई भी हमारा परम हितैषी हमारे जीवन में अगर कुछ भी कर रहा है तो हमारा अच्छा ही कर रहा होगा। और अगर ये सोच करके हम जीवन यापन करें, इस दृष्टिकोण से अगर हम अपना जीवन जिए, तो हम दुखी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छा श्लोक है। फिर आज के परपट में प्रभुपाद जी ने मायावाद का खंडन किया, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक शब्द आया, निर्गुण पुरुष, कि जो पुरुष में श्रेष्ठ हैं वो कैसे हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण है मतलब उनमें कोई गुण नहीं है, मतलब भगवान कैसे हैं, निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है। ये नॉर्मली इसकी अगर यही श्लोक अगर किसी मायावादी उसको दिया जाए तो क्या एकदम, देखो 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 हम बोलते थे ना कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तुम्हारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निर्गुण पुरुष ऋषभ, कि जो पुरुष में ऋषभ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, भगवान है, कैसे हैं,
निर्गुण है। तो निर्गुण की व्याख्या किया जाता है क्या कि उसमें कोई गुण नहीं है। मायावादी लोग ये व्याख्या करते हैं, जबकि निर्गुण का वैष्णव आचार्य क्या व्याख्या करते हैं कि उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है। जैसे हर एक प्राणी इस जगत का, चाहे किसी भी योनि में हो, 84 लाख मतलब प्रकार की योनि होती, किसी भी योनि में हो, या सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण, कि तीनों गुणों से जो आच्छादित ये जो रस्सियाँ हैं उससे तीनों तीनों गुणों में एक्ट करता है कि नहीं। हम लोग अगर सुबह से शाम तक अपनी सारी वो देखें, एक्टिविटीज देखें, तो सतोगुण में कभी रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, और सब कुछ इन्हीं गुणों से। जैसे मतलब दिन का सुबह का प्रातः काल का समय सतोगुण का समय होता है, दिन का समय दोपहर का समय रजोगुण का समय होता है, रात्रि का समय नॉर्मली संध्या का समय तमोगुण का समय होता है। पूरा का पूरा सृष्टि इन गुणों से संचालित होती है, लेकिन भगवान क्या है? निर्गुण। इन गुणों का भगवान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भगवान कैसे हैं? निर्गुण है, क्योंकि गुणों से अतीत हैं, गुणों से ऊपर है। भगवान शुद्ध सत्व में होते हैं, हमेशा शुद्ध सत्व में भगवान रहते हैं, इन गुणों में का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, त्रैगुण विषया वेद निस्त्रैगुण भवार्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन तुम भी निस्त्रैगुण हो जाओ, मतलब इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। जो भगवान के भक्त ही ऊपर उठ सकते हैं, तो क्या भगवान ऊपर नहीं होंगे? निश्चित रूप से भगवान पे इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? निर्गुण कहा जाता है, और भगवान को निराकार कहा जाता है। तो निराकार का हमारे वैष्णव आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, इसलिए भगवान निराकार है। मायावादी लोग क्या व्याख्या करते हैं कि जैसे कि भगवान निराकार है, क्यों निराकार है? क्योंकि भगवान से सब कुछ की सृष्टि हो रही है, पूरा जगत का सृजन भगवान से हो, तो भगवान अपना विस्तार कर गए। जो भगवान अपना विस्तार कर गए तो भगवान खत्म हो गए, भगवान क्या हो गए? निराकार हो गए। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, ये भगवान है मान लीजिए, भगवान फिर ऐसे करके भगवान का और प्रकृति में हो गए, फिर और अपना विस्तार कर दिए, ये भगवान अपना और विस्तार कर दिए, भगवान अपना और विस्तार कर दिए, और भगवान विस्तार कर दिए, तो ऐसे पूरे प्रकृति के रूप में जब भगवान विस्तार कर दिए तो भगवान कहाँ रह गए? ये पेज तो फट गया ना, पूरा पेज कहाँ रह गया? तो इसलिए भगवान का कोई साकार अस्तित्व नहीं, भगवान क्या है? निराकार है। ये मायावादी व्याख्या होती है, लेकिन इसका हमारे वैष्णव आचार्य लोग व्याख्या ऐसा करते हैं, जैसे वैदिक मंत्र है ओम पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भविष्यति, कि भगवान से एक पूर्ण प्रकृति निकलने के बाद भी पूर्ण होती है। नॉर्मली ये एक भौतिक का भौतिक किसी पदार्थ का एग्जांपल दिया, लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिताजी हैं, पिताजी को एक पुत्र हुआ, अब पिताजी 6 फीट के हुए, 1.5 फीट का तो पुत्र होता है, तो क्या पिताजी 5 फीट के हो जाते हैं? ये दूसरा पुत्र हो गया, पिताजी 4 फीट के हो गए, तीसरा पुत्र हुआ, पिताजी 3 फीट के हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रभु की प्रभु जी इनके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र 6-6 फीट के हैं, तो ऐसा थोड़ी ना प्रभु की प्रभु जी का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर तो चार और पुत्र होते तो आदमी निगेटिव में चला जाता है। तो ऐसे भगवान सब कुछ का सृजन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का अस्तित्व रहता है। जैसे नॉर्मली देख पा रहे हैं भगवान का अस्तित्व रहता है, और कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं हमारा इतना अच्छा आकार है, भगवान ने अगर सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि में सब कुछ का आकार है, तो भगवान बिना आकार के कैसे हो सकते हैं, निराकार कैसे हो सकते हैं? मैं देखता हूँ मेरे पिताजी का आकार है, उनके पिताजी दादाजी का आकार है, दादाजी के पिताजी का आकार है, जो सबसे परम पिता होंगे वो निराकार होंगे, बताइए। बट इतने अच्छे अच्छे लॉजिक देख करके और ये नास्तिकतावाद फैलाया जाता है। एक बार मुरली कृष्ण जी आए थे, वो बता रहे थे जैसे कि और क्या व्याख्या, जैसे कि ये एक तरह से ढका वो जो निराकारवाद है, शून्यवाद, ये सब जो है प्रभुपाद जी इसका खंडन करने के लिए अवतरित हुए हैं, ये एक तरह का नास्तिकतावाद है। और कई सारे तथाकथित जो धर्म संप्रदाय हैं इस पे वो करते हैं, इसी पर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तरह से कह सकते हैं निराकारवाद पे। एक एग्जाम्पल आता है कि एक बार एक राजा होता है, मंत्री को देता है, लो ये बहुत सुंदर मेरा तोता है, ये फेवरेट मेरा तोता है, इसकी तुम रक्षा करो, देखभाल करो, कुछ भी इसको नहीं होना चाहिए। तो मंत्री ले जाता है तोता। इसके बाद कुछ दिनों बोलता है, तोता कैसा है? तोता बहुत अच्छा है, बस बोल नहीं रहा है आजकल। अच्छा जी, ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर आता है और बोलता है कि तोता कैसा है? ठीक ठाक है ना? हाँ, तोता बहुत अच्छा है, उसके पंख आजकल फड़फड़ा रहे ना, बंद हो गए हैं। अच्छा, पंख फड़ा रहा, बाकी ठीक है, तोता अच्छा है। कुछ दिन बाद और आता है तो पूछता है कि भाई तोता कैसा है? तोता अच्छा है, बहुत सुंदर है, बस खाना पीना ना बंद कर दिया है कुछ दिनों से।
इसके बाद फिर कुछ दिन बाद आता है, तोता कैसा है? तो तोता हिलना डुलना बंद कर दिया है। तो राजा गुस्से में होकर के बोलता है कि ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि तोता मर गया है? बोलो वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप बोलूंगा तो आप मार नहीं देंगे मुझे। आप बोल सकते हैं कि तोता मर गया, तोता नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। वैसे ही ये कहते हैं भगवान है, भगवान निराकार है, भगवान चल फिर नहीं सकते, भगवान सुन नहीं सकते, भगवान खा नहीं सकते, भगवान देख नहीं सकते, लेकिन भगवान हैं। ये क्यों नहीं कह सकते मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को, भगवान नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भगवान हैं, बस ये सब कार्य नहीं कर सकते। क्या नास्तिकता है ये? मायावाद एक तरीके से ढका हुआ नास्तिकतावाद है। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से श्लोक में खंडन किया गया है। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, जिसे इसको डार्विन के सिद्धांत जीव आत्मा को स्वीकार नहीं करती, अतः उसके विकास की व्याख्या अधूरी है। नॉर्मली इसको अगर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे कैसे हम सबके भी जीवन में ये नास्तिकतावाद कार्य करती है, तो ये पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली हमारे माइंड में प्रवेश कराया जाता है। एक्चुअली बचपन से सिस्टमैटिकली हमारे माइंड में प्रवेश कराया जाता है। जैसे जब मैक्स मूलर को अगर हम कुछ हिस्ट्री में जाएं, भेजा गया इंडिया में कि जैसे जो ब्रिटिशर से पूरे वर्ल्ड पे राज्य करना चाहते थे, तो हर एक देश में जाते थे उस पर कैसे रूल कर सकते हैं। तो मैक्स मूलर प्रभु को भेजा गया था भारत में कि जाइए आप पूर्व जो एशिया के, जो ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज हैं, वह पता लगा के आइए कि कैसे हम उन पर रूल कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। तो भाई साहब भारत में आए और कई सालों तक यहाँ पर अध्ययन किए, अध्ययन करके वहाँ पर जा करके ब्रिटिश उसमें कॉन्फ्रेंस में उनका वो भी है, मैं एक लेक्चर में सुना था, मतलब नेट पर भी शायद अवेलेबल, उसको पढ़ सकते हैं। उनकी ये वो स्टेटमेंट था कि जो भारत पर जो उधर के प्रदेश है उन पर रूल करना असंभव है। क्यों असंभव है? कि उनकी निष्ठा, उनकी संस्कृति इतनी प्रबल है, इतनी प्रधान संस्कृति है, इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, कैसे हम उन पर रूल कर सकते हैं? और उनकी संस्कृति हमारे संस्कृति से काफी ऊपर है। नॉर्मली अगर हम देखें पीछे के, अगर थोड़ा सा अपने संस्कृति को अध्ययन कर इतिहास में जाएं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हमारे ये होते थे वर्णाश्रम में, जो ब्राह्मण होते थे उनको बचपन से ही पता रहता था कि जैसे मेरा बेटा भाई बड़ा होगा पंडिताई करेगा, उसको दक्षिण यजमान होंगे, दक्षिणा मिल जाएगा, उसका कार्य निकल जाएगा। जो क्षत्रिय होते थे उनको बचपन से ही कॉन्फिडेंस होता था कि भाई मेरा बेटा बड़ा होगा, अपने बाहुबल से वो कमा लेगा, लोगों का रूल करके शासन करके वो कमा लेगा। जो वैश्य होते थे बचपन से ही वो क्या करते थे, अपने बेटे को अपने मतलब जो व्यापार वगैरह में, जैसे भगवान को देते कृष्ण लीला में 5 वर्ष की अवस्था, जो 6वें वर्ष में जाते हैं पौगंड लीला में, तो गाय दी जाती, ले जाओ भाई गाय चरा के आओ। 5 वर्ष से छोटे बछड़े दिए जाते थे, ले जाओ बछड़े चरा के आओ। ये सब हम देखते हैं। तो वैसे को भी कोई चिंता नहीं रहती थी अपने कैसे जीविका उपार्जन होगा, और शूद्र उसको ही पता रहता था किसी ना किसी मालिक के घर चले जाएंगे जी मालिक। जैसे ऐसा होता था, हम लोग देखे हैं गांव में कि जैसे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं किसी के घर पे, फिर उनका बेटा भी उनके घर पे लग जाता था। और ब्राह्मण कल्चर में कैसे होता था, जैसे मेरे पिताजी किसी के वो हैं उपरोहित हैं, उनके बेटा जी के उपरोहित हो जाते थे, ऐसे उनका काम चलता था। तो इतनी उत्कृष्ट संस्कृति थी कि किसी को भी किसी के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता था कि मेरी जीविका उपार्जन कैसे हो। इतनी उत्कृष्ट संस्कृति थी, आज के जैसे नहीं कि 20-25 साल पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद और जाकर के इंटरव्यू में धक्के खा के लाइन लगाना पड़ता है, और मतलब 20-25 साल संघर्ष करने के बाद इतने मतलब इतने दिनों में तो कोई भी अपने वर्णाश्रम के साथ एक स्थित हो जाता था, इसके बाद कैसे निकले उसकी व्यवस्था हो जाती थी, और यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता जीविकोपार्जन के लिए इतना। तो ये मैक्स मूलर जी ने बताया भाई साहब ने कि इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है कि हम कैसे रूल कर सकते हैं। तो फिर वो आए यहाँ पर, दोबारा उनको भेजा गया और वेदों का उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत सीखे, और संस्कृत भाषा की जो वेदों को इंग्लिश भाषा में उन्होंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने तरीके से उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं कि उसको जैसे प्रभुपाद जी ने इसका शब्द का अर्थ दिया, वैसे नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। और फिर वो भारत पर आए और इसके पूरे सिस्टमेटिकली अपना सिलेबस अपना लाए, ताकि अगर हम आपको आकर के बताएंगे जो आपका वेद है कहाँ इन चीजों में, ये मैथोलॉजी में तुम वो कर रहे हो, ये निकृष्ट हैं, ये लोवेस्ट हैं, हम हायर हैं, हम आर्यन हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे अच्छी चीजें, ये प्रोपेगेंडा करके लाया गया। और पूरा हमारे सिलेबस को खंडित कर करके अपना सिलेबस लाया, और आज भी हम देखते हैं उनका सिलेबस पढ़ा जाता है बचपन में, ये डार्विनवाद इसको पढ़ के हमारे 10th क्लास में मार्क्स मिलते हैं बायोलॉजी में, सबको पढ़ना पड़ता है ये। यस और नो? यस सर।
ये पूरे नास्तिकतावाद बचपन से ही बच्चे के अंदर अंदर ये बैठाया जाता है मार्क्स लाने के लिए। क्या डार्विन बात का क्या वो है फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, कि जो भी फिट वो बैठेगा वो सर्वाइव करेगा, फिट बैठेगा। जैसे कि क्या इनका सिद्धांत है डार्विन प्रभु का, कि जैसे कि मनुष्य के वो कौन थे पूर्वज बंदर थे। प्रभुपाद खूब गाली देते हैं, वो रास्कल डार्विन के पूर्वज वो होंगे, हमारे जो पूर्वज थे ऋषि महर्षि थे, ऋषि मुनि लोग। आप देखते हैं कश्यप मुनि के हम सब संतान हैं, ये मनु के मनुष्य जो है मनु और सतरूपा से आए हैं, बंदर से नहीं आए हैं। और आज भी हम देखते हैं साइंस में तो नॉर्मली कई ऐसे स्पीसीज मिले हैं लाखों करोड़ों मतलब सालों पहले के, जो कि उसमें मनुष्य और बंदर एक साथ एग्जिस्ट किया करते थे। और डार्विन भाई सब क्या कहते हैं कि जैसे इनका ये सिद्धांत है बचपन से हम सबको पढ़ाया जाता है, हमारी पूरी की पूरी साइंस हमारा बायोलॉजी इसी पर वर्क करती है। कि जो भी जैसे कि अभी कोरोना जैसे वो बॉडी में वो किया अपना जगह बना लिया, उस हमारे WBC को वो किया तो वो फिट हो पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। जैसे कैसे ये शुरुआत हुआ, जैसे जो भालू थे उनको जमीन पे खाने पीने को नहीं मिला तो पानी में गए मछली पकड़ने के लिए, अपने को रखने के लिए, तो वहाँ पर धीरे धीरे वेल बन गए। जो घोड़े थे वो जब घास खत्म हो गई तो वो पेड़ पर से पत्ते खाते थे, तो गर्दन अपना खिंचाव करना पड़ता था, धीरे धीरे उनका गर्दन लंबा हो गया, क्या हो गए जिराफ बन गए। हाँ, जो मनुष्य जो बंदर थे धीरे धीरे क्या बन गए मनुष्य। और यही हम सबको पढ़ाया जाता है, सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि हमारे माइंड में फिट हो जाए। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये अधूरी है और इसमें जीवात्मा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, कि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी का एवोल्यूशन हो रहा है, जबकि बॉडी का एवोल्यूशन नहीं होता है, चेतना का एवोल्यूशन होता है। ये निराकारवाद और ये नास्तिकतावाद बचपन से ही साइंटिफिक तरीके से हमारे अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ब्रिटिशर्स ये साबित कर पाए कि जो हमारी फिलॉसफी है वो उत्कृष्ट है, तुम्हारी फिलॉसफी है जो वेदा है, ये जो पुराण है, ये महाभारत रामायण क्या है, ये मिथ है, कहाँ इन चक्करों में लगे हुए हो, ताकि वो रूल कर पाए हर सबके ऊपर, US के ऊपर या इंडिया के ऊपर, ये सबके ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने अपना सिलेबस निकाला। तो हमें सबको इन ग्रंथों का अध्ययन अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हम जान पाएं कि एक्चुअली में से मतलब कैसे हमारा जन्म हुआ, हमारा कर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान के अस्तित्व को जान पाएं। इसीलिए नॉर्मली बुद्धि इसकोन प्रीचिंग करता है बुद्धिजीवी वर्ग में नॉर्मली, कि वो समझे, साइंस को समझे और वेदों को समझे, और दोनों को वो सामंजस्य बैठा कर खंडित कर पाए कि क्या सही और क्या गलत है, बहुत जरूरी है ये। और प्रभुपाद जी इसमें वो कर रहे हैं कि जैसे कि हम क्या साइंटिफिक थ्योरी है कि सब कुछ प्रकृति पे आधारित है, प्रकृति मदर नेचर इज गिविंग अस एवरीथिंग, सब जो भी माता प्रकृति है, मतलब चलो कम से कम मदर तो मान रहे हैं इसको, मतलब प्रकृति सब कुछ दे रही है, मतलब पुरुष का जैसे भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते। ये वैसा ही है कि जैसे घर में जैसे कोई छोटा बच्चा हो और माँ सुबह उसको उठाती है, कपड़ा पहनाती है, दूध पिलाती है, खाना बनाती है, खिलाती है, स्कूल भेजती है, आता है, कपड़े उतारती है, उसके दूसरा कपड़ा पहनाती है, खेलने के लिए छोटा बच्चा भी खेलने के लिए भेजती है, रात में सुलाती है, खाना बनाती है, सब कुछ को उसको कर रही है, भरण पोषण कर रही है, मान लो माता जी, अगले दिन फिर कर रही है, अगले दिन फिर कर रही है। और काफ़ी दिन बाद एक मतलब उसके घर में कोई व्यक्ति आता है, पुरुष आता है, और बच्चा क्या पूछता है, माता जी ये अंकल जी कौन है, ये अंकल जी कौन है, तो ये उसके पिताजी रहते हैं जो नॉर्मली बाहर रह रहे होते हैं, वो कमा रहे होते हैं और वो कमा करके पैसे भेज रहे होते हैं, जिसके चलते माता उस बेटे को क्या करिए पालन पोषण करिए सरवाइव कर रही है। तो नॉर्मली वो जो काफ़ी दिन बाद वो जो बच्चा देखता है तो अपने पिताजी को पूछता है कि मम्मी एक अंकल कौन है, वैसी हमारी स्थिति है, सब कुछ प्रकृति दिख रही है कि सब कुछ प्रकृति दे रही है, प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, प्रकृति हमारे सब कुछ को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन प्रकृति के पीछे मूल कारण कौन है, भगवान है। इसमें प्रभुपाद मतलब बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं हम सर्व कारण कारणम, या फिर मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचर, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है ये प्रकृति इज ऑल, मतलब जो माता है निश्चित रूप से बेटे के लिए सब कुछ है, लेकिन पिताजी जैसे अभी आप लोग दिल्ली में नहीं समझ पा रहे हो, जब नॉर्मली गांव में जो माताएं होती हैं लोग कमाने के लिए पुरुष लोग चले जाते हैं दिल्ली जैसे शहरों में और काफ़ी दिन बाद जाते हैं, तो जब जाते हैं तो क्या होता है जब पिताजी उनको अंकल के जैसे बेटा देखते हैं, भाई इतने दिन बाद आ रहे हैं ये। वैसे ही हम लोग जो इसको उसको समझना चाहिए कि प्रकृति सब कुछ दे रही है, लेकिन प्रकृति के पीछे पुरुष है, वो पुरुष कौन है, परम
भगवान भगवान कह रहे मैं दक्षिण प्रकृति सुयत सचराचर, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। ये वैसे ये प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कुमार और घड़ा का वो एग्जांपल, कि जैसे मान लो कुम्हार है वो कोई घड़ा बना रहा है चाक पर, आप लोग चाक चलते हुए देखें मिट्टी का वो कुछ वो होते हैं गीली मिट्टी होती है और धीरे धीरे ऐसे करके उठाता है और वो गोल गोल चाक घूमता रहता है तो एक एक साइज मिलता है, गोल गोल हो जाता है। तो अगर कोई मान लीजिए घड़ा बन के आया तो घड़ा का कारण कौन है? मिट्टी है कह सकते हैं, बट मिट्टी उसकी एक कारण हुई, कह सकते हैं कि ये चाक चल रहा था जिसके चलते हुआ, बट चाक भी एक कारण हुआ। कह सकते हैं कि आग में पकाया गया जिससे घड़ा तैयार हुआ, बट आग भी एक कारण हुआ, बट मूल कारण कौन है? वो कुम्हार है जो कि उसको साइज दे रहा है, उसको वो आग पका दिया, लेकिन आग में पका कौन रहा है? कुम्हार है। वो गीली मिट्टी वहां पर कहां से आई? कुम्हार ने रखा। वो चाक कैसे चल रहा है? कुम्हार चला रहा है। तो मेन कारण कौन हुआ? वो कुम्हार हुआ। वैसे ही प्रकृति में सब कुछ कार्य कर रहा है, उसका मेन कारण कौन है? पुरुष है, भगवान है। भगवान इसमें वेदों का भी एग्जाम्पल प्रभुपाद लेकर के इस लोग बोल रहे हैं कि जैसे निमित्त मात्रम जो पहला शब्द आया है तो सब कुछ के जो निमित्त मात्र कौन है? भगवान है। भगवान की ऐसा तब जैसे वो होता है कि सूर्य सब नेचर ने ऐसा सन बनाया, सन उग जाता है, नेचर ने मून बनाया जो रात में उग जाता है, नेचर ने बनाया। भगवान बोल रहे हैं भागवतम में कि मत भया तो बात ही बात हो, सूर्य स्तप्ति मत भया, वर्षति इंद्रो दहति इंद्र अग्नि मृत्युश्चर्ति मत भया। श्रीमद भागवत में तृतीय स्कंद में वो बोल रहे हैं माता देवोदी से कपिल देव भगवान कि मद भवात वाति वातो एवं, कि मेरे भय से जो वाति वात करता है हवा बहता है। वर्षत इंद्र मद भयात, कि जो इंद्र वर्षा करते हैं नेचर वर्षा कर रही है, भगवान के भय से इंद्र वर्षा कर रहे हैं, भगवान के अध्यक्षता में सब कार्य करते हैं। सूर्य सुबह सुबह उग जाते हैं, टाइम से उगते हैं टाइम से डूबते हैं, कैसे? भगवान के अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, भगवान के डर से। मृत्यु शक्ति मत भया, लोग कहते हैं ना एज श्योर एज डेथ, तो भगवान बोल रहे हैं कि मत भयात मेरी अध्यक्षता में सब कुछ होता है, मेरी अध्यक्षता में होता है, भगवान के भय से सब कुछ होता है। तो मूल कारण कौन है? भगवान है। सारी चीजों के मूल कारण भगवान है। नॉर्मली हम प्रकृति से देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से हम देख सकते हैं कि जो सब कुछ के मूल कारण कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसे अजानती माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रिता, कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में आते हैं जो मूढ़ लोग होते हैं बेवकूफ लोग होते हैं मेरे को नहीं समझ पाते हैं, क्या मानते हैं कि मैं निराकार हूँ निर्गुण हूँ, ये कौन लोग बूढ़े लोग मानते हैं? भगवान कर और जानती माम मूढ़ा बेवकूफ लोग मानते हैं, मानुषीम तो मास्रता जब मनुष्य का मैं शरीर धारण करता हूँ। और भगवान कह रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया समावित, योग माया से अपने को छिपा के रखता हूँ। कुंती महारानी भी अपने प्रार्थनाओं में यही कह रही है कि हे भगवान आप ऐसे ऐसे लीलाएं करते जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नट कलाकार करता है, मैं वहां पर उपस्थित थी, मैं अपने इन्हीं आंखों से देख रही थी कि कैसे यशोदा माई आपको छोटे से डंडा को लेकर के आपके पीछे दौड़ रही थी और आप भाग रहे थे और आपके नेत्रों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, आप अपने युगम मतलब दोनों हाथों से अपने आंख मल रहे थे, आंसू गिर रहे थे आपके, कांप रहे थे आप भय से, बिल्कुल इतने भयभीत हो गए थे। कौन है भगवान? वो परम पुरुष परम ब्रह्म ऐसे कांप करके जिससे साक्षात भय, भगवान बोल रहे हैं मृत्यु शक्ति मत भया, और यहाँ पर वही भगवान एक छोटे से डंडे को देख कर भाग रहे हैं और उदम तम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम अपने आंखों को रगड़ रहे हैं और बिल्कुल आंसू बहते जा रहा है और उनके जो काजल है पूरे मुंह पर लग गए, पूरे हाथों में सन गए, मैं देखी थी। ये भगवान की लीलाएं होती है, पर नॉर्मली सब लोग नहीं देख पाते, इसको नहीं समझ पाते हैं। भगवान बोल रहे हैं प्रकाश सर्व से योग माया समावेता मूढ़ो अपना भी जानाती, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, तो भगवान उनको प्रकाशित करती हैं श्रद्धावान लोगों। तो इस प्रकार हमें इस श्लोक से ये समझने को मिल रहा है कि जैसे भगवान सर्व कारण कारण है, निमित्त मात्र सब कुछ जो था है और होगा सब कुछ के कारण कौन है? भगवान है। और भगवान कैसे हैं? जैसे कि एक भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है अगर निराकार है भगवान तो साकार भी है, ऐसे सुबह सुबह गाते हैं बरहासम सीतम बुद्ध सुंदरांगम, सुंदर जिनके अंग हैं, जिनके नेत्र कैसे हैं कमल के पुष्प के जैसे हैं, जिन्होंने सर्प क्या लगाया हुआ है बरहा वो पीडम जैसे मोर का पंख लगाया हुआ, अगर भगवान निराकार होते भगवान का सर नहीं होता तो सर पे क्या लगाते हैं? ब्रह्मा जी बेवकूफ थोड़ी ना जो गा रहे हैं ब्रह्म संहिता में,
यस और नो। और इस प्रकार हम भगवान से इन श्लोकों को, इन तत्वों को जाने, जब हम ऐसे तत्वों से जानते हैं भगवान को ना, तो और ज्यादा हमारा आकर्षण बढ़ता है भगवान के प्रति। इन जब जैसे चेतन महाप्रभु उसमें बोलते हैं सिद्धांत बलिया चित्त ना करे आलस, यहाँ है सुधीर कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब हम सिद्धांत को समझने में अपना चित्त लगाते हैं, हृदय लगाते हैं, तो कृष्ण में और मानस हमारा सुदृढ़ता से लगता है, भक्ति में और हमारा प्रगाढ़ता भक्ति है, और ज्यादा कृष्ण पर विश्वास बढ़ता है। इसलिए सिद्धांत को पूरे चित्त लगा करके समझना चाहिए, इसे कृष्ण के ऊपर और ज्यादा हमारा श्रद्धा बढ़ता है। और जो नॉर्मली हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति में और ज्यादा हमारा मन लगता है। तो इस प्रकार ये श्लोक मनु महाराज समझा रहे ध्रुव को कि देखो बेटा सर्व कारण कारणम कौन है, जो आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी ने वो किया है। प्रभुपाद कंक्लूड बहुत अच्छा करते हैं अपने तात्पर्य को कि वैसे तो अनेक कार्य कारण हैं, हमें दिखती है कि कोई भी कारण, मान लीजिए हमारे पिताजी कर रहे हैं, या हमारे ऑफिस का बॉस कर रहा है, या गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, केजरीवाल साहब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अनेक कारण हैं, किंतु आदि कारण तो कृष्ण ही हैं। इनके पीछे कौन है? कृष्ण ही है, कृष्ण ही सर्व कारण कारण है। तो सारी चीजों को कृष्ण के ऊपर हमें निर्भर होकर के उनकी उस तरह से हमें लेना चाहिए। इस तरीके से और हमें भक्ति में मन लगेगा, कृष्ण पे और हमारा आश्रय बढ़ेगा। और जो कि नॉर्मली आज हम के आज के श्लोक में हम ये देखें कि भगवान के दोनों फीचर को देखें, भगवान कौन है, कैसे कार्य करते हैं, और जीव हर परिस्थिति में कैसे भगवान के हाथ को देख सकता है। यहाँ पर वही ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि देखो बेटा जो तुम्हारा भाई मारा गया है वो भगवान की मर्जी से मारा गया है, तुम्हें क्या लग रहा है ये यक्ष लोग कारण है तुम्हारे भाई को मारने के? नहीं, भगवान की अध्यक्षता में हुआ, भगवान इसके वो हैं। तो इसीलिए अपना द्वेष त्याग दो और युद्ध करना बंद कर दो, और हर कारण का कारण कृष्ण को देखो। अतएव हमें भी अपने जीवन में हर कारण का कारण कृष्ण को देखना चाहिए, और ऐसा देखेंगे तो बिल्कुल हमारा चित्त शांत रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम तो वो नहीं है, हम कारण नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि मैं कारण हूँ हर चीज़ का। तो इस तरीके से हमारा चित्त कृष्ण में और रहेगा, और हम शांत चित्त होकर के जीवन यापन कर पाएंगे अगर इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाएंगे तो। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किसी का कोई टिप्पणी टीका हो या कोई प्रश्न है तो यस प्रभु। माता जी पहले तो हमने बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इतने सुंदर श्लोक के लिए। ऐसा लग रहा है कि हमारे मंदिर में चादर के पड़े हुए और दूसरी दो प्रश्न हैं मेरे। पहला प्रश्न तो ये कि जब स्वयं मनु जब ध्रुव महाराज को कह रहे हैं सारा कुछ जो है वो भगवान के लिए कारण हुआ है, वही सब कुछ मूल कारण नहीं है, तो जहाँ दंड नीति आती है वो एक क्षत्रिय है, दंड नीति का पालन करना ठीक है माता जी, अच्छा प्रश्न है। तो मनु संहिता के अनुसार इसका निश्चित रूप से दंड नीति का व्याख्या किया गया है। और नॉर्मली माता जी अगर आप पहले के श्लोकों में और अगर पढ़ेंगे ना, तो बोलते हैं कि देखो बेटा तुम उनको जितना दंड देना था तुम दे चुके हो, अब ये उग्र कर्म एक तरीके से तुम कर रहे हो, वो अत्यधिक रोष को त्याग दो। नॉर्मली दंड नीति ठीक है, तुम आते एक उसे उनको मार, यक्ष जिसने दंड वो दिया था तुम्हारे भाई को मारा था उसको तुम नहीं दंड देते, उसको तुम मार देते, बट ये जो अकारण तुम इतना ज़्यादा रोष कर रहे हो इसको तुम सफिशियंट दंड दे चुके हैं और इसको तुम त्याग दो। ये बोल रहे हैं कि अब अकारण तुम अहिंसा कर रहे हो, नॉर्मली जितना दंड देना चाहे तुम ऑलरेडी दे चुके हो। ऐसा नहीं कहा गया कि ध्रुव महाराज गलती करके आए थे, बिल्कुल ध्रुव महाराज का कर्तव्य था, एक राजा होने के कारण उनका कर्तव्य बनता है, कर्तव्य परायणता वो दिखा रहे थे, मार भी दिए। बट अब अकारण एक होता है ना कि सार्वभौम प्रभु एक बार वो दे रहे थे लेक्चर दे रहे थे तो बता रहे थे लेक्चर में कि एक सैनिक था वो लड़ाई कर रहा था, और वो एक सैनिकों को मार कई वध कर चुका था, बिल्कुल तलवार से धड़ाधड़ मारे पड़ा था, और एक को बिल्कुल मार करके नीचे गिरा दिया, और गिरा करके जब उसको मारने जा रहा था गुस्सा में कुछ बोला तो वो जो नीचे जो उसके पैर के नीचे दबा हुआ था वो तलवार इसके ऊपर थी, तो नीचे वाला क्या करता है गुस्से में कि मारने जा रहा है मेरे को उसके ऊपर थूक देता है वो,
तो थूक देता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है बिल्कुल तो तलवार से मारना नहीं मारता है, वो तलवार हटा लेता है। तो हुआ कि भाई तुम तो और जोर से मारना चाहिए था, कई टुकड़े और ज्यादा करना चाहिए था, छोड़ के तुम दिए। तो वो ये बोला कि नॉर्मली मैं राजा के कहने पर लड़ाई कर रहा था, मैं तुम्हें मारता राजा के कहने पर, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हारा तुम्हें दंडित करना, तुम्हें मारना, तो उसका मेरे को कोई रिएक्शन नहीं लगता क्योंकि राजा के कहने पे कर रहा हूँ। बट अभी जो तुमने मेरे मुंह पे थूक दिया तो मेरे को पर्सनली तुम पे गुस्सा आ गया, और अगर मैं पर्सनली द्वेष के कारण तुम्हें मारूंगा तो इसका मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा। तो वैसे ही नॉर्मली दंड देना उचित था, उन्होंने दंड दे चुके थे, लेकिन अब और क्योंकि बार बार वो अटैक करते तो पर्सनली ऊपर अपने ऊपर गुस्सा लेकर के वो बार बार पूरे उसको उस प्रजाति को ही खत्म कर रहे। तो बस अत्यधिक रोष करना व्यर्थ है बेटा, इस वजह से तुम युद्ध बंद करो, अत्यधिक रोष अच्छा नहीं होता है, पतन का कारण होता है। तुम तो साधु हो तो इसको तुम बंद करो। निश्चित रूप से राजा कर्तव्य दंड देना चाहिए था, अगर दंड नहीं देता है तो उसको प्रकृति के नियमों द्वारा और ज़्यादा दंड मिलेगा, प्लस राजा को भी उसका गलत कार्यों का अगर दंड नहीं कर रहा है राजा तो एक छठवां भाग मनु संहिता के अनुसार उसको लेना पड़ेगा, देना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि एक गाँव के किसी एक व्यक्ति ने कुछ चोरी कर दिया पूरे गाँव का हाथ कटवा दो, ये भी उचित नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा को मना कर रहे हैं पर माता जी, ठीक है। तो उस वक्त भी एक अराजकता से फैला हुआ, तो ऐसे समय में उसी को ही वापस जो ब्राह्मण कर नहीं पा रहा है अपने कर्मों को पूर्ण शुद्ध तरीके से, उसको ब्राह्मणों वाले काम में डालना उस समय में क्या उचित हुआ करता था? तभी तो लोगों ने दूसरे जो व्यवसाय है वो अपनाने शुरू करे, अपने वर्ग को छोड़ करके दूसरों में जाना शुरू करा, चाहे वो शूद्र थे चाहे और कोई थे। तो आज का जो सिस्टम है क्या उसे हम पूरे तरीके से गलत कह सकते? देखिए माता जी, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं चतुष्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के विभाग पर। और भागवतम के सप्तम स्कंद में महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए नारद मुनि भी अलग अलग वर्णों का वो बता रहे हैं कि क्या कर्तव्य क्या वो उसकी होता है। तो उसमें नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के जैसा कार्य करता है उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, कोई शूद्र के जैसा या क्षत्रिय के जैसे कार्य करे क्षत्रिय मानना चाहिए। हम देखते हैं जैसे विश्वामित्र जात से राजपूत थे, मतलब वो क्या थे, क्षत्रिय थे, महाराज गादी के पुत्र थे, उन्होंने ब्राह्मण का कार्य करके उनको ब्रह्मऋषि का भी वो मिला। तो ये गुण और कर्म के आधार पर होता था, ना कि जाति के आधार पर माता जी। और नॉर्मली पहले सब कुछ वैसे संस्कारों का पालन किया जाता था, तो ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, ऐसे होता था। बट ये 100% जरूरी नहीं था। जैसे कश्यप मुनि, उन्हीं से असुर भी हुए और अदिति और अदिति उन्हीं के सेम पिता, या फिर जब वसुदेव और दो देखते हैं जो नंद बाबा सेम पिता के पुत्र हैं, एक वैश्य हुए एक क्षत्रिय हुए। तो अलग वो गुण और कर्म के आधार पर होता था माता जी। गुण और कर्म के स्वाभाविक ही उस प्रवृत्ति व्यक्ति का रहता था और वैसा कर्म करता था। और जैसे आज के डेट में इतना ज़्यादा जॉब चेंज होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, या हर सैटरडे को पीने चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। नॉर्मली किसी का ब्राह्मण वाला कार्य उसको क्षत्रिय वाला कार्य करना पड़ रहा है, नॉर्मली ये पूरा वर्णाश्रम श्रेणी के आधार पर नहीं चल रहा ना। तो इस वजह से इतना अराजकता फैली हुई है, इतना मानसिक कलेश क्यों होता है? क्योंकि अगर ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य उसको नेचुरली काम करना है, जैसे ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन यजन दान प्रतिग्रह ब्रह्मकर्म स्वभाव से उसको कार्य करना ही अच्छा लगेगा और करने में उसको टेंशन ही होगा। लेकिन अगर उसी को दे दिया जाए बिजनेस करने को तो भाई कितना दिन करेगा? ठीक है, रोजी रोटी के लिए कर लेगा लेकिन खुश नहीं रहेगा ना करके। इस वजह से तो नॉर्मली अब अभी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम हमारा बचा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए जो जिस वर्ण के। तभी तो आप देखिए इस कौन में कोई किसी भी तथाकथित जात से होता है उसको पुजारी नॉर्मली वैद्य बना देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे सनातन गोस्वामी पाद कि द्विजोतम जायते न रह तथा दीक्षा विधान न, कि दीक्षा से के माध्यम से किसी को द्विज उत्तम मतलब द्विजों में उत्तम ब्राह्मण बनाया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से होता है माता जी, पहले सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आज भी ट्रेन करें तो निश्चित रूप से कोई भी मतलब उस जैसे ट्रेनिंग मिले, जैसे इंजीनियर को इंजीनियर का ट्रेनिंग मिलता है तो इंजीनियर बनता है, तो जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण का ट्रेनिंग मिले तो ब्राह्मण बनेगा, नहीं तो कलयुग शूद्र संभव। सब लोग जन्म जाए थे शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, ट्रेनिंग के अनुसार माता जी होता था।
वैसे आज भी अगर हम ट्रेनिंग दें तो वैसे वर्णाश्रम जैसे प्रभात जी लास्ट में बोले थे कि मैं सब कुछ कर दिया 50% मेरा काम अधूरा रह गया, वर्णाश्रम सिस्टम को स्टेब्लिश करना। और इस्कॉन के कई सारे ऐसे वो बीइंग हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं और हम देखेंगे कि आने वाले समय में स्टेब्लिश होगा। ठीक है, तत्व से जानना, तत्व की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे, तत्व का भी जैसे तुलसी के तत्व को जाने, भगवत तत्व को, तो तत्व का एग्जैक्ट मूल रूप से उसको जानना, एक तरह से मेरे अनुसार तो यही हो, उसको मूल रूप से जानना, उसके पीछे के कारणों को जानना कि क्या है, कौन है, कैसे है, उसको बोलते हैं तत्व से जानना। हाँ, उसके पूरे बैकग्राउंड को जानना अच्छे तरीके से, उसको तत्व से जानना। ठीक है, टाइम भी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद।